चार खिलाड़ी आउट। इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम, वुमेन्स क्रिकेट टीम ने 97 रन स्कोर किए मुकर्रा 20 ओवर में 8 खिलाड़ी के आउट होने पर। जरीना है बॉलर, जरीना आई, उन्होंने बॉल की और उसे स्वीप करना चाहती थी लेकिन उसको हल्का सा पुश किया, शॉट फाइन लेग की तरफ से आई। जरीना आई, उन्होंने बॉल की बैक फुट पे पुश किया शॉट फाइन लेग की तरफ, वहां पे फील्डर मौजूद, 1 रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 35। चार खिलाड़ी आउट। मैसेज में लिखा हुआ आ रहा है, बिल्कुल बंद हो गया। किसी के हाथ भेजता फिर मैं देखता था, किसी के हाथ भेज है, मैसेजर के हाथ भेज देख रहे। ओके, स्कोर 37 रन है, 4 खिलाड़ी आउट 15 ओवर के इख्तिताम पर। जापान की वुमेन्स क्रिकेट टीम को जो टारगेट दिया था पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम ने, बदस्तूर वो इतना बड़ा नजर नहीं आ रहा था लेकिन पाकिस्तान की उमदा बॉलिंग और बेहतरीन फील्डिंग की वजह से जापान बहुत ही प्रेशर में खेला और जिसके लिहाज जिसके नतीजे में अभी तक 15 ओवर में सिर्फ 43 रन बने, 43 for 4। सानिया आई, उन्होंने बॉल की, उसको बैक फुट पे खेलना चाहिए, फिर बीट हुई, उसके साथ विकेट कीपर भी बीट हो गई, गेंद आई डीप थर्ड मैन की तरफ लेकिन इसके नतीजे में 2 रन का इजाफा हो गया, स्कोर बढ़ता हुआ 45 for 4। बाई के 2 रन थे जो बैट्समैनों ने लिए, बहुत ही अच्छी बॉलिंग का मजारा कर रही है जरीना भी और सानिया भी। सानिया आई, उन्होंने बॉल की, स्वीप कर दिया उसको स्क्वायर लेग की तरफ, वहां पे फील्डर मौजूद, 1 रन का इजाफा, इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 46। पैंतालीस रन, 4 खिलाड़ी आउट 15 ओवर के थे। ये 16 ओवर जो सानिया कर रही है लेग साइड की तरफ, उसे फ्लिक करना चाहती थी, गेंद बीट हुई उनके पैडों पर लग, किसी भी विकेट कीपर के पास आई, किसी रन का इजाफा नहीं, और ये 16 ओवर खत्म हुआ। 16 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर है 45, 4 खिलाड़ी आउट जापान के और पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम आहिस्ता आहिस्ता फतेह की तरफ गामजन।
शायद मैं कहना यार साल जी कमेंट्री थोड़ी भी करते हैं मेरे को, मैं कहेंगे वैसे मेरी कमेंट्री बड़ा ही खूबसूरत मंजर हमारे चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ नजर आ रहे हैं। तो लेफ्ट साइड पे जो पहाड़ है इसको मार्गला पहाड़ कहते हैं। यहाँ पे दूसरा इस्लामाबाद में मार्गला पहाड़ी है, यहाँ पे ये मार्गला पहाड़ के नाम से याद किया जाता है इसको। बड़ी पुरानी तारीख है इसकी, उसके बगल में ये ग्राउंड बनी है, बड़ी खूबसूरत ग्राउंड है। जरीना है बॉलर। अभी हम आपको इस पहाड़ की थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं। हमारे साथ बैठे हमारे डायरेक्टर उर्दू वर्ल्ड न्यूज के रवा राशिद मामू, जो यहाँ पे इसको ऑपरेट कर रहे हैं इस पूरी लाइव टेलीकास्ट को। जरीना आई, उन्होंने बॉल किया और उसे स्वीप किया मिड विकेट की तरफ, वहां पे फील्डर मुझे मिस फील्डिंग हुई वहां पे खिलाड़ी से, लेकिन एक रन को बनाने से नहीं रोक सकी। एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 46, चार खिलाड़ी आउट। 16वां ओवर कर रहे हैं जरीना। इंडिविजुअली तौर पर उनका यह तीसरा ओवर है। जरीना तैयार है बॉलिंग के लिए, बड़ी नपीतुली बॉलिंग कर रही है। जरीना आई, आकर उन्होंने बॉल किया और उसे बाहर निकल के फिर मिड विकेट की तरफ पुल किया। एक रन का इजाफा, इस एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 46-46, चार खिलाड़ी आउट हैं जापान वुमेन्स क्रिकेट टीम के और ये 16वां ओवर चल रहा है। जरीना है बॉलर। जरीना आई, उन्होंने उसे लेग ब्रेक किया, गेंद और बाहर निकली, अंपायर की तरफ से वाइट बॉल का इशारा। इस वाइट बॉल के स्कोर के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 47, चार खिलाड़ी आउट। जरीना आई, उन्होंने बॉल किया और ये गुगली थी तो गेंद लेग ब्रेक एक्सेप्ट करी थी, गेंद अंदर की तरफ आई, उसे हल्का सा कट किया उसको थर्ड मैन की तरफ। इसी दौरान एक रन का इजाफा, इस एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 47, 47 रन है जापान विमेंस क्रिकेट टीम के, चार खिलाड़ी आउट हैं और ये 16वां ओवर चल रहा है। और ये अभी हम जिससे अभी थोड़ा सा पहले जिक्र किया था, मार्गला पहाड़, इस ग्राउंड के पूरे लेफ्ट साइड पे जो इसको कवर किया हुआ, इस पहाड़ बड़ा खूबसूरत हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है, बहुत बेहतरीन दरख्त लगे हुए हैं, बेहतरीन साथ में रोड बना हुआ है। ये बहुत पुरानी तारीख है इस पहाड़ की और उम्मीद है आपको ये मंजर खूबसूरत और अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि हम काफी ऊंचाई पे बैठे हुए हैं, लेकिन हमसे भी ऊंचा है, बहुत ऊंचा साढ़े को। सानिया आई, उन्होंने बॉल किया, उसे स्वीप कर दिया ऊपर की तरफ से, लेकिन एक रन का और इजाफा, इस एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 48, अठारहवां ओवर चल रहा है। उठा के फेंका उसको मिड ऑन की तरफ, दो रन का इजाफा, इस दो रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 49, इसके बाद दो ओवर और हैं। सानिया है बॉलर, 18वां ओवर कर रही है सानिया। सानिया आई, उन्होंने बॉल की और उसे बाहर निकल के फिर मिड ऑन की तरफ हिट किया, उन्होंने हिट करने के बाद स्कोर लिया, लेकिन दूसरा स्कोर लेने के लिए उन्होंने कॉल की, मुश्किल था, दूसरे खिलाड़ी ने मना किया, सिर्फ एक रन का इजाफा हुआ, एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 52 रन 52-4। सानिया 18वां ओवर कर रही है पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम की तरफ से। सानिया, उन्होंने फ्लाइट किया, उसे स्वीप